अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप अगर इसे अच्छे से मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, बाज़ार से भी अच्छे बनेंगे। आइए तो इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए और किस तरीके से हमने बनाया है आपको दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आइए तो रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ले बनाने के लिए हमने ये देखिए फुल क्रीम दूध ले लिया है 1 लीटर और इसको हम उबालेंगे। उबालने के लिए हम हत्थे वाला बर्तन लेंगे जिससे हम दूध अपना पलटें तो हमें आसानी रहे। आइए तो इसको उबाल लेंगे। गैस हमने फुल कर लिया है और जब ये उबल जाएगा तो हम इसको आपको फाड़ कर दिखाएंगे, यानी इसका छेना बनाएंगे। ये देखिए हमारा दूध उबल गया है और हम गैस बंद कर देंगे और इसे गैस से हटा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब। हमने पानी इसलिए डाला है जिससे हमारा छेना एकदम नरम निकले। ये देखिए हम 3 से 4 चम्मच सिरका ले लेंगे और इसमें इतना ही पानी मिला देंगे। ये देखिए इतना ही पानी मिला देंगे और इसमें हम ये सिरका मिला हुआ पानी डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। सिरका कभी ज़्यादा डलता है कभी कम डलता है, सिरके की कोई ऐसी बात नहीं है। जितने में आपका दूध फट जाए इतना सिरका आप डाल लें। ये देखिए हमारा दूध अच्छे से फट चुका है, छाना अलग हो चुका है। ये देखिए अब इसे हम एक कपड़े में छान लेंगे। इस तरीके का एक बर्तन ले लेंगे और इसमें छन्नी रख लेंगे और उस पर ये कपड़ा डाल देंगे। कोई भी आप साफ कपड़ा ले सकते हैं। और इसमें हम अपना ये दूध छेना डाल देंगे। कितना अच्छा छेना हमारा निकला है, हम इसे आराम से उठा लेंगे। ये पानी हम इस तरीके से निकाल के छन्नी पे ही रखेंगे, लेकिन ये पानी हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये पानी हमारे काम आता है, इसलिए इस पानी को हमने जिसमें दूध उबाला था उसी में वापस डाल देंगे। जो हमारा पानी हमने निकाला है छेने का उसको हम आटे में डालकर आटा गूंथ सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे धोना जरूरी है। सिरका भी खट्टा होता है, अगर आप नींबू से इसको फाड़ेंगे तो नींबू भी खट्टा होता है, इसलिए इसे अच्छे से धो लेना है।
अब इसको ऐसे ही हम आधे से पौने घंटे के लिए इसी पे रख देंगे, जिससे हमारा जो पानी है वो निकल जाएगा इसका। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमें रसगुल्ले किस तरीके से बनाने हैं। ये देखिए, हमने अपने पनीर को 40 से 45 मिनट के लिए उसमें छन्नी में रख दिया था, और अब हम आपको दिखाते हैं ये कैसा हो रहा है। ये देखिए, इसका सारा पानी निकल चुका है और ये एकदम नरम सॉफ्ट हो गया है। देखिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। आइए इसे एक साइड रख देते हैं और हम अपनी चाशनी बना लेते हैं। जितने हम इसको मसलेंगे उससे पहले हम चाशनी बनने रख देंगे। ये देखिए, हमने 250 से 300 ग्राम चीनी ली है, इसे डाल देंगे। और इसमें हम जितनी चीनी लेंगे उसके 4 गुना पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने 250 ग्राम अपनी चीनी ली है। अगर हम 1 किलो दूध का पनीर निकालेंगे तो उसमें 250 ग्राम ही पनीर निकलेगा, तो उसी हिसाब से बिल्कुल सही बैठेगा। हम 250 ग्राम चीनी ले लेंगे और इसमें हम 750 ग्राम पानी डालेंगे, यानी उसी बर्तन से नाप के हम 3 हिस्से पानी डाल सकते हैं। जितनी हमने चीनी ली उससे 3 हिस्से ज्यादा पानी डाल दिया है। ये देखिए, हम अपने गैस को अभी बिल्कुल लो कर देंगे जितनी देर हम अपना छेना तैयार करेंगे, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें 2 छोटी इलायची डालेंगे। ये देखिए, हम छोटी इलायची का मुंह खोल के डाल देंगे, यानी इसको तोड़ के डालेंगे। और इसको पकने देंगे धीमी आंच पे, इतने हम अपना छेना तैयार करेंगे। देखिए, हमने अपने छेने में थोड़ी नमी रखी है। ये देखिए, हमने जब छेना निकाला था तो इसे कस के निचोड़ा नहीं था। छेना बहुत सारा निकल जाता है दूध बनकर, और ये देखिए अभी इसमें थोड़ी नमी है, ये हमारे हाथों पर लग रही है। और इसको हम इस तरीके से मसलते रहेंगे, इस चीज़ से हमें मसलना है। इसको ऐसे आगे करेंगे और फिर उंगलियों से पीछे लेते रहेंगे। सारे छेने को हम इसी तरीके से 6 से 7 मिनट तक मसलते रहेंगे। हमने 5 से 6 मिनट इसको रगड़ लिया है, और अब इसमें हम थोड़ी मैदा डालेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से इसको मसलेंगे। ये देखिए, ये हमारी मैदा है, 1 चम्मच हम मैदा डाल देंगे। हमने इतनी ही मैदा डालनी है इसमें। अगर आप 1/2 लीटर दूध के रसगुल्ले बनाएं तो 1/2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, बिल्कुल सही बनेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मसलेंगे, 4 से 5 मिनट तक इसे भी मसलते रहेंगे, बल्कि ज़्यादा ही मसलेंगे। ये देखिए, हमारा पनीर बिल्कुल साइड छोड़ने लगा है, हमारी बर्तन को बिल्कुल छोड़ रहा है, मतलब ये अब अच्छे से मसल गया है। हमने इसे 8 से 10 मिनट तक मसला है, ये देखिए, और ये कितना सॉफ्ट बना है, और फिर भी ये बर्तन में नहीं चिपक रहा है। जब हमने पहले दिखाया था आपको तो ये बर्तन में बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, और अब देखिए, और इसके हम गोले बनाकर देखेंगे। ये देखिए, कोई क्रैक्स इसमें नहीं आ रहा है, तो हम इसके ऐसे ही गोले बना लेंगे। और हमारा हाथ देखिए किस तरीके से तेल से भरा हुआ है, यानी इसमें से घी अच्छे से निकल रहा है। और इसका अब हम गोले बनाएंगे। आइए अपनी चाशनी देखते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी भी पकने वाली है,
इतने हम गोले बनाएंगे, इतने ये और पक जाएगी। ये देखिए हमने सारे गोले बना लिए हैं और अब हम इनको चाशनी में डाल के उबालेंगे। आइए हमारी चाशनी देखिए बिल्कुल पक रही है अच्छे से। और इसको अभी हमें आंच को तेज भी रखना है। ये देखिए एक एक करके हम सारे रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। ये देखिए हम अपने रसगुल्लों को ढक देंगे। हमें इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के रखना है, लेकिन इनका ख्याल रखना है कि चाशनी बाहर ना निकले। थोड़ा सा उघाड़ रखा है हमने, बहुत कम। आप इसको इस तरीके से ढक सकते हैं और हम आपको दिखाएंगे अभी 2 मिनट में कि इसके ऊपर पूरे झाग आ जाने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से इन पे झाग ऊपर तक आने चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं हमारे रसगुल्लों को 10 से 12 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। ये देखिए एक चम्मच से हिला के दिखाएंगे। ये देखिए बस इन्हें 5 मिनट और पकाएंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और गैस को हमने हाई कर रखा है। अगर इसमें पानी कम लगे तो आप इस वक्त पानी भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए हम इसे ज़रा सा उघाड़ कर रखेंगे इस तरीके से। आप अच्छे से देख लीजिए, हमने थोड़ा सा उघाड़ रखा है। इसी तरीके से उघाड़ के रखना है हमें। और गैस को हम कम कर देंगे, हमने लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है वरना कम कर दिया है। और इसे 5 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और फिर गैस बंद करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, यानी हमारे पूरे 15 मिनट हो चुके हैं इनको पकाते हुए हमें। और ये देखिए हमारे रसगुल्ले काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया हो गए। और अब हम ये गैस बंद कर देंगे और इनको ऐसे ही ठंडा होने देंगे और इसको ढक के छोड़ देंगे। इसे हम रूम हम इसे ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा होने देंगे कि हम बर्तन से हाथ लगा लें और उसके बाद फिर हम इसे निकाल के फ्रिज में रखेंगे। लेकिन जब फ्रिज में रखेंगे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बन चुके हैं। अब इन्हें हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद आपको फिर से दिखाएंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं ये, एकदम जूसी हैं। और इन्हें बनाना कितना आसान है। अब आप भी इन्हें घर पे बनाइए और खाइए। एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।